दोस्तों, गर्दन, घुटना, कोहनी की सालों पुरानी जमी हुई मैल को मिनटों में साफ करना चाहते हैं तो आज की ये रेमेडी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि गर्मियां जैसे ही आती हैं अपने साथ काफ़ी सारी समस्याएं लेकर आती हैं। जरा सा भी हम धूप में निकलते हैं, टैन आ जाता है, पसीने से काफ़ी सारी गंदगी भी जम जाती है, और कई बार तो हम पार्लर जाके महंगे डिटेन फेसियल करवाते हैं, काफ़ी सारी रेमेडी भी ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, आज की रेमेडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसके एक ही बार के इस्तेमाल से चलेगा ऐसा जादू, जितना भी कालापन रहेगा या जितना भी मैल होगा वो मिनटों में साफ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस पावरफुल रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा यहाँ पर एक बाउल, और उसके अंदर मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ कॉफी। तो कोई भी कॉफी का एक पैकेट ले लीजिए और उसको आपको क्या करना है, इस बाउल के अंदर डाल देना है। कॉफ़ी में दोस्तों होता है कैफीन, जो कि हमारी स्किन से जमी हुई मैल को बहुत ही अच्छे से रिमूव कर देता है। तो एक पैकेट ही काफ़ी है, तो यहाँ पर एक पैकेट को लेंगे और अच्छे से इस तरह से खोल देंगे। ये आपको 2 या 3 रुपए का पैकेट मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जो भी कॉफ़ी आप इस्तेमाल करना चाहें वो आप कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको पूरा खाली कर दिया है। इसी के साथ ही कुछ चीज़ें इसके अंदर और हम ऐड करेंगे। तो अगली चीज़ दोस्तों, मैंने यहाँ पर ली है शक्कर। जी हाँ, वही शक्कर जो हम चाय में डालते हैं, ठीक है, जिसका हम शरबत बना के पीते हैं, यानी कि चीनी। 1 चम्मच भर के आपको चीनी लेनी है और शक्कर को और कॉफ़ी को अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। जो शक्कर होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से स्क्रबिंग का काम करता है और हमारे जितने भी डार्क पार्ट होते हैं बॉडी के, उन्हें बहुत अच्छे से लाइट एंड ब्राइट करता है। अगली चीज़ ली है दोस्तों मैंने यहाँ पर कोलगेट। आप सभी को पता है कि कोलगेट क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से करता है। हमारे हाथ पैरों में जमी हुई मैल हो या फिर हमारे दांतों में जमी हुई मैल, उसको ये बहुत अच्छे से खींचकर बाहर निकालता है। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद दोस्तों साइड में रख देंगे, और इसके बाद दोस्तों आपको एक बाउल यहाँ पर और लेना है। अब इस बाउल के अंदर दोस्तों आपको डालना है यहाँ पर गुलाब जल। जी हाँ, गुलाब जल वही जो हम स्किन के लिए यूज़ करते हैं, बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों हमारी स्किन के लिए, खासकर जो गर्मी का मौसम है उसमें जो हमारा पसीना आता है, ठीक है, इस तरह की जो टैनिंग हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए गुलाब जल बहुत ही ज़्यादा असरदार है। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है यहाँ पर नींबू, और आधे नींबू को ये जो हमने गुलाब जल लिया है इसके अंदर आपको इस तरह से देखिए दोस्तों निचोड़ देना है। अच्छे से निचोड़ दीजिएगा। जो नींबू होता है दोस्तों, उसमें होता है विटामिन सी, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। जो मैल होता है, जो टैनिंग होती है, वो इससे बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाती है। अगली चीज दोस्तों आपको लेनी है यहाँ पर इनो। हर घर में मौजूद होता है दोस्तों, घुटनों का कालापन, हमारे अंडर आर्म या फिर हमारी कोहनी या फिर हमारी गर्दन पे बहुत ही ज्यादा जो जिद्दी मैल होता है, तो उस जिद्दी मैल को दूर करने के लिए आपको यहां पर इनो का यूज करना पड़ेगा। तो आधा इनो आप ले लीजिएगा, आधे को आप उठाकर रख दीजिएगा, किसी और चीज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको लेने के बाद दोस्तों आपको इस रेमेडी को तैयार करना है, और जो नींबू का रस हमने निचोड़ा था ना दोस्तों, उसका जो छिलका बचा है नींबू का, उसको भी हमें फेंकना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, इस तरह से ये जो गुलाब जल है ना, इसको इस तरह से इस रेमेडी के अंदर डालेंगे। जैसे ही आप इसके अंदर इसको डालोगे, एक रिएक्शन क्रिएट होगा और दोस्तों बहुत ही पावरफुल रेमेडी बनके हमारी तैयार हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल लेकर चाहे काली नेक हो या फिर हाथ पैर की गंदगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ हो जाएगी। आप ट्राई करके देखिएगा। जब तक दोस्तों आप ट्राई नहीं करोगे, तब तक आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि गर्दन पे कितना ज्यादा कालापन है, कितना ज्यादा मैल जमा हो गया है, और मैल की एक मोटी सी लेयर जमा हुई है। अब इस रेमेडी को आपको लेना है और जहां भी बहुत ज्यादा गंदगी है, जहां भी बहुत ज्यादा मैल है, वहां आपको इसको इस तरह से लगा देना है, और लगाने के 4 से 5 मिनट दोस्तों आप इसको ना ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, जिससे जितनी भी गंदगी है, मैल है, वो अच्छे से फूल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है नींबू का छिलका, जो कि हमने नींबू निचोड़ा था ना, वही छिलका मैंने ले लिया है। इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको हल्के हल्के से ना रब करना है। जैसे ही आप रब करोगे, आप देखोगे जितनी भी गंदगी होगी, जितना भी मैल होगा, वो छूटता चला जाएगा। कितना भी जिद्दी से जिद्दी कालापन हो, मोटी से मोटी मैल की परत जमा हो दोस्तों, बहुत ही आसानी से वो रिमूव हो जाती है। ये देखिए, गर्दन कितने अच्छे से साफ हो चुकी है। इसके बाद कोई भी गीला कपड़ा ले लीजिएगा और गर्दन को आपको इस तरह से साफ कर देना है। आप देख ही सकते हैं, हमारी गर्दन पे जितनी भी मैल थी, जितनी मोटी परत थी, वो सारी की सारी हट गई है और गर्दन एकदम साफ हो चुकी है।
इसी तरह से जो हमारी कोहनी होती है उस पर भी इस रेमेडी को आपको लगा देना है। लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पर एक तरीका मैं आपके साथ और शेयर कर रही हूँ, आपको लेना है आलू, और आलू लेने के बाद जैसे हमने नींबू से इसको रब किया था ना, वैसे ही आपको आलू से इसको रब करना है। इससे भी दोस्तों बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है, क्योंकि जो आलू होता है उसमें स्टार्च होता है जो कि हमारी क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। दाग धब्बे भी इससे दूर होते हैं, और दोस्तों जितना भी यहाँ पे जो कालापन देख रहे हैं ना आप कोहनी पे होता है वो तो रिमूव होता ही होता है। इसी के साथ ही आलू अगर आप यूज़ करेंगे तो कलर बहुत अच्छे से फेयर हो जाता है। तो ये देखिए मैं अच्छे से इसको रब कर रही हूँ, और आप देख ही सकते हैं जितनी भी कालापन था, जितना भी मैल था, वो छूटता हुआ चला जा रहा है। इसके बाद जैसे हमने गर्दन को साफ किया था ना, सेम उसी तरह से आपको गीले कपड़े से इसको भी पोंछ कर साफ कर लेना है। ये देखिए आप देख सकते हैं जितना भी कालापन था, जितनी भी मैल थी, वो सारी की सारी छूट गई है। दोस्तों ये जो होम रेमेडी होती हैं ये बहुत ही जादू की तरह काम करती हैं, पर इसे यूज़ करने का हमें सही तरीका आना चाहिए, और इन सब चक्रों में हम दोस्तों अपने बहुत सारे पैसे खराब करते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर पर अपने हाथों पैरों का कालापन बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। कोई भी पार्लर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी महंगा फेशियल, महंगा पेडिक्योर, मैनिक्योर कराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मेरे कहने पर मत जाइए दोस्तों, एक बार इस रेमेडी को आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, असर आपको पहले दिन से ही पता चल जाएगा। इसको भी हम दोस्तों गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी कालापन था वो भी अच्छे से रिमूव हो चुका है, ये देखिए। तो इस रेमेडी को आप ज़रूर से यूज़ करके देखिएगा, और इसे आप यहाँ पर ही नहीं अपने हाथ पैरों पर भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बाहर धूप में जाने की वजह से आपने देखा होगा हाथ बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल से जाते हैं, तो आप इस रेमेडी को अपने पूरे हाथ पर भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी टैनिंग होगी, जितना भी गंदगी होगी, वो दोस्तों रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने हाथ को आपको करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस रेमेडी को पूरे हाथ पर अच्छे से लगा लेना है, और बस आपको अच्छे से इसको रब करना है। दोस्तों वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे जिन लोगों को भी इस तरह की परेशानी है उन्हें ना घर बैठे इसका फ्री में इलाज मिल जाए, मतलब उन्हें ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से देखिए जो नींबू का छिलका मैंने पहले लिया था ना, उसी से आपको क्या करना है, इसको रब कर लेना है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, चाहे तो आप नींबू का छिलका यूज कर लीजिएगा, या फिर आप आलू यूज कर लीजिएगा, और बस अच्छे से आपको इसको रब करना है, और रब करने के बाद आपको एक दो मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो 4 से 5 मिनट के लिए मैं हाथों को भी ऐसे ही छोड़ देती हूँ, और इसके बाद दोस्तों आपको लेना है यहाँ पर कोई भी कागज या फिर टिश्यू पेपर या फिर कपड़ा, कुछ भी ले लीजिएगा, और अच्छे से इसको आपको रिमूव कर देना है। इसके बाद हाथों को अच्छे से धुल देना है। आप देख ही सकते हैं जितनी भी गंदगी थी, जितना भी कालापन था, वो रिमूव हो चुका है। तो हाथों को मैंने अच्छे से धुल लिया है, और आप देख सकते हैं जितना भी कालापन था वो चला गया है। तो एक बार में ही ये कमाल होगा दोस्तों, ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी है। तो इसको ट्राई करके ज़रूर से देखें। इसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को ध्यान से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एवरीवन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।